हार्दिक भाई को ऐसे कस के गले लगाने के बाद कोहली भाई ने बोला, अच्छा चलता हूँ भाई, आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। फाइनली आरसीबी लास्ट पोजीशन से सेवंथ पर आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में। इनके इसी कड़े संघर्ष के लिए तालियां तो बनती है भाइयों एक बार। हाय हाय हाय, होए होए होए। कल जब आरसीबी 100 रन पे 2 विकेट थी, रिद्धिमान साह की स्टंप माइक में से आवाज आती है, चलो चलो रन्स रोको, मैच को खींचो। जिस पर हमारे चीकू भैया उर्फ विराट कोहली ने रिप्लाई किया, ओ पैंचोदा ऐसे कैसे खींच लेगा मैच। मजे की बात यह कि इसके बाद ऑलमोस्ट जीटी ने मैच खींच ही लिया था। 100 रन पे 2 विकेट से 117 पे 6 हो गए थे आरसीबी के। कोहली भाई ने जब बोला ना, ओ पैंचोदा ऐसे कैसे मैच खींच लेगा, तो आरसीबी के बैट्समैन को लगा कि गाइडेंस मांग रहे हैं। ये लोग उनको बताना शुरू कर दिए कि अपोजिशन कैसे खींच लेगा मैच। रिद्धिमान साह कल पहला प्लेयर बन जाता जिसने 7 बॉल पे 1 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच ले गया। ये स्टंप माइक वाला वीडियो तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तने 100 डाल देने या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर सकते हो। हर बात का जवाब देना होता है विराट कोहली को। वो तो अच्छा हुआ कलम सच में मैच नहीं खींचे, वरना ये मेरा भी नाम लिख लेता अपनी बदला बुक डायरी में, और फिर किसी दिन हम बैटिंग कर रहे होते तो ये कीपिंग करता जानबूझ के कि स्टंप माइक्स में सेम चीज बोल पाया मैं। अच्छा हुआ डीके भाई मैच नहीं खींचने दिया तुमने, अरे ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया था यार, बदला मत लेने लगना कोहली भाई। डीके भाई ने इज्जत तो बचा ली, पर उनको भी उम्मीद नहीं थी कि बैटिंग आएगी 90 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद। स्टार्टेड विद अ कप ऑफ टी एंड देन आफ्टर अबाउट 4 आवर्स आई हैड माय फर्स्ट कैपेचिनो। आई थॉट आई वाजंट गोइंग टू बैट, आई वाजंट पैडेड अप, आई वाजंट मेंटली रेडी, आई वाज जस्ट चिलिंग एंड देन थिंग्स हैपन एंड देन आई हैड टू पैड अप। क्या डीके भाई, अब तो आदत हो जानी चाहिए इस चीजों की, आरसीबी में रह के सरप्राइजेस लेने की। आरसीबी के फैंस को कसम से तब तक यकीन नहीं होता कि हम लोग मैच जीत गए जब तक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन स्टार्ट ना हो जाए। ये बेचारे 2-5 रन चाहिए होते हैं 5 ओवर्स में, फिर भी ऐसे प्रे करते रहते हैं एंड तक कि भगवान देख लेना यार, इनके कोई भरोसे नहीं है, आप ही संभालना। भाई फाफ डुप्लेसिस की फट गई कल के नजारे देख के। वो आउट होकर डगआउट में गया और जस्ट सुसु करके बाहर ही आया था कि मैक्सवेल ग्रीन और रजत पाटीदार बैठे हुए मिले। फाफ डुप्लेसिस ने उनको देख के एकदम कॉन्फिडेंस से बोला कि अरे कोई भी चले जाओ बैटिंग करने, अपन मैच जीत ही चुके हैं। तीनों ने साथ में मुंडी हिलाकर बोला तीनों बैटिंग करके ही आ रहे हैं। एक्टिंग साले सब एक्टिंग करते हैं। एक तो कल वैसे ही उस बेचारे की कटिंग बिगड़ गई थी, पूरे इंटरनेट पर यही चल रहा था कि फाफ डुप्लेसिस की कटिंग बिगाड़ दी बार बार ने, और फाफ डुप्लेसिस ने पूरा गुस्सा गुजरात टाइटंस पर निकाल दिया। अरे शुभमन गिल ने थोड़ी आपके बाल काटे थे फाफ भाई। अब भाइयों कल आरसीबी वर्सेस जीटी का मैच था और 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी टीम के मैच नहीं थे फिर भी वो लोग ट्रेंड कर रहे थे। एक थे हमारे हार्दिक भाई जिनको गालियां पड़ रही थी, और दूसरे थे हमारे हर्षित राणा भाई जो खुद गालियां दे रहे थे। ये देख के सेम ही चीज कोहली भाई ने करी कल, पर कच्चू फाइन ना लगा। वाह भाई, हम करे तो हैरेसमेंट, कोहली करे तो लव गेस्चर। भाई हमारी सिर्फ शक्ल हरामी है, आदमी एकदम सीधे हैं हम। हमें तो कल पता भी नहीं था कल हुआ क्या। वो तो मयंक अग्रवाल का कॉल आया, बोलता है जल्दी टीवी खोल देख कोहली भाई क्या कर रहे हैं, बोलता है तेरी तो जेब से पैसे निकाल लिए थे ना इन्हीं हरकतों के कारण। कोहली भाई ने सेम चीज करी तो लड़कियां इंटरनेट पर लिख रही है एवरी गर्ल डिजर्व्स अ गाय लाइक कोहली, तूने जब से मुझे पप्पी दी है मुझे तो टीम से निकाल ही दिया, तुझे भी बैन कर दिया, ये सब पप्पी वप्पी का चक्कर बहुत खराब है रे हर्षित। देख रहे हो कैसे टी शर्ट बदल बदल के कैरेक्टर आ रहे हैं सालो, इसी बात पर सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन पहुंचना है हमें, जल्दी सब्सक्राइब करके रखो। कोहली भाई की नवीन उलक से लड़ाई खत्म हो गई, गौती भाई से खत्म हो गई, गांगुली दादा से खत्म हो गई, पर ये गावस्कर जी से कब खत्म होगी पता नहीं। ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। तुमको याद होगा थोड़े दिन पहले ही विराट भाई ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोला था, मेरे स्ट्राइक रेट में स्पिनर्स को नहीं खेल पाता, इन सब बातों पर बात करने में इन लोगों को बड़ा मजा आता है। आई एम डूइंग माय जॉब। देयर इज अ रीजन यू हैव डन दिस फॉर 15 इयर्स। You have won games for your team and I am not sure if you have not been in that situation yourself to sit and speak about a game from a box. तो जब कल सुनील गावस्कर स्टार स्पोर्ट्स पर थे वो तिल मिलाते हुए इस चीज पर बात करते हुए indirectly reply किए। All these guys talk about oh we don't care about outside noise. अच्छा then why are you replying to any outside noise? We all played a bit of cricket, not a lot of cricket. We don't have agendas. We speak about what we see. We don't necessarily have any likes or dislikes.
अरे गावस्कर भाईजान, वो आदमी स्टंप माइक्स का तुरंत रिप्लाई दे देता है, पर उसके आप बात कर रहे हो आउटसाइड नॉइज की। लोगों ने इनके ही लेवल निकाल दिए पुराने स्कोर कार्ड ढूंढ ढूंढ के, जहां पर सुनील गावस्कर ने 20 के स्ट्राइक रेट से 36 रन बनाए थे 174 बॉल्स में, जबकि इंग्लैंड ने टारगेट दिया था 335 का और इंडिया 132 ही बना पाया। और सुनील गावस्कर भाई एंड में आप इतने गुस्से में गए थे कि शेम ऑन स्टार स्पोर्ट्स, अगर इन्होंने ये चीज बार बार दिखाई तो शेम। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में। तो यही है भाई, थोड़ी थोड़ी इंटरनेट पर दुनिया बढ़ गई है, कोई कह रहा है कोहली भाई सही है, कोई कह रहा है कि सुनील गावस्कर जी सही है, वो अपना केवल जॉब कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में। अपना अनबायस्ड ओपिनियन तुम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या लगता है। अनुष्का भाभी लग रहा है इसीलिए मैच देखने आई थी कि कोई मेरे पति को कुछ बोलेगा ना, मैंने मुक्के मारने हैं। पहले भी वैसे भाभी और गावस्कर जी का लफड़ा हो चुका है। कीड़े पड़े तुझे, हैजा खाए तू, जल के राख हो जाए। भाई वो स्टार्क की वाइफ उस दिन स्टेडियम में आई थी, स्टार्क परफॉर्म कर गया। कल भाभी जी आई तो कोहली भाई परफॉर्म कर गए। ये मेरे बेचारे गिल भाई की टाइमिंग थोड़ी सही नहीं बैठ पा रही यार, दो तीन मैच ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। दिनेश कार्तिक टू आरसीबी, इज्जत बचाने के लिए थैंक यू तो बोलो। एक बार भाई आरसीबी फाइनल में से कोलैप्स करी थी, तुमको याद होगा तो 2016 में क्रिस गेल और कोहली भाई ने रन बनाए थे और फिर बाद में रायन से विकेट, कल उससे भी बुरे हाल होते, बट थैंक्स टू डीके भाई डेडलाइन के बाद असाइनमेंट भरने वाले लड़के। जब आरसीबी से उम्मीद खत्म हो जाती है तभी आरसीबी अच्छा खेलना स्टार्ट करती है। विराट कोहली टू ऋतुराज गायकवाड़, ओह सरक उधर सरक, ये खेला चलता ही रहेगा। एक बार विराट भाई आगे, अब नेक्स्ट मैच में ऋतु भाई आगे हो जाएंगे। आरसीबी मूड स्विंग ऐसा करो कि लड़कियां भी शर्मा जाए। आरसीबी फ्रॉम 92 for 0 to 117 for 6, भाई साहब 25 रन में 6 विकेट गए थे। आरसीबी सर्वाइविंग इन दिस आईपीएल, भाई तुम इमेजिन करो कभी आरसीबी यहां से क्वालिफाई कर जाती है और इस साल कप नामने कर देती है तो मैचेस आते जाते रहेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल, जिस दिन मैक्सवेल भाई का बल्ला चल गया ना भाई, मैं प्रसाद बटवाऊंगा। ऐसे खेल रहे थे कल भी भाई, तलवार है चला रहे, उनको मनी नहीं रन बनाने का। नाउ मैचेस ऑन योर हैंड मैक्सवेल, मेरे तो हाथ ही नहीं है। एबीडी विलियर्स आरसीबी नेट रन रेट चेस, जैसे एबीडी भाई ने ट्वीट किया विकेट्स गिरना चालू। गौती भाई रियल आईडी से आओ, एबीडी भाई का अकाउंट क्यों चला रहे हो? सांस लेता हूं तो एक विकेट गिर जाता है ब्रो, कल ये रियल हो गया भाई ये मीम, सांस लेता हूं वाला जो था ना, आरसीबी सारे मीम्स को रियल करवा देती है। मैंने कहा था ना लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे वही जो खड़ा रहेगा। सिराज भाई का लेवल निकलना बहुत जरूरी था भाई वर्ल्ड कप के पहले। द रेफरेंस इमेज आई शो व्हाट माय बार्बर डज, कल फाफ डुप्लेसिस भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। आ गए जी कैलकुलेटर निकालने का टाइम आ गया। आरसीबी फैंस तो वैसे भी प्रिपेयर्ड रहते हैं, अब वो देख रहे हैं कि कौन सी टीम के साथ कब कब मैच है। वेरी बिजी शेड्यूल्ड आरसीबी का, साइड से छोटा ऊपर से मीडियम गॉन रॉन्ग। बार बार भाई ऐसे मत किया करो, बहुत लोग देखते हैं हम लोग को। द हेयर स्टाइल द इंस्पिरेशन, मौत से किसको डर नहीं लगता यार, सबको लगता है। हर्षित राणा वॉचिंग कोहली गिविंग फ्लाइंग किस, हर्षित राणा ने बाद में कॉल किया कोहली भाई को, कोहली भाई आपको कितना फाइन लगा? कोहली भाई ने बोला मैं को तो नहीं लगा। हर्षित राणा वॉचिंग विराट भैया, भाई तुझे अब तो समझ आ ही गया होगा मैं किन भूतियों के साथ 17 साल से लॉयल्टी प्रूव कर रहा हूँ। फाफ डुप्लेसिस भाई को तो बहुत पहले समझ में आ गया था चीकू भैया, तभी सीएसके में जाने की वो बचा रखे थे। इस सीजन मैच किसी का भी हो गाली मुझे ही पड़ती है। हार्दिक पांड्या, कल भी भाई हार्दिक पांड्या ट्रेंड करने लगा पता नहीं कहां से। कटोरा कट 50 रुपए, ये जो पेड़ के नीचे नाई कटिंग बनाते हैं ना वो ऐसी बना देते हैं भाई। एक कटोरा रखा और केची घुमा दी फटाक से। जस्ट आरसीबी थिंग्स आफ्टर पावर प्ले, उतर गया ना तू अपनी औकात पे। ये फैंस के रिएक्शन थे। फाफ डुप्लेसिस एंड कोहली बैटिंग 10 ओवर्स में जीत जाएंगे, 6 ओवर्स के बाद अबे लोड़ो विकेट बचा हुआ है जो हार जाएंगे। फ्रॉम 92 for 0 to 111 for 5, जस्ट आरसीबी थिंक्स आई बेगन हो गया। गर्ल्स आफ्टर लूजिंग अ लिपस्टिक, बॉयज आफ्टर लूजिंग रैंकिंग, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ प्लेस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, श्रेयस अय्यर ब्रो स्टिल गोइंग मैड, एवरी मॉम्स हेयर कट सजेशन बी लाइक, सही में ये सब मम्मियों का फेवरेट हुआ करता था पहले कि तुम बारीक बारीक बाल करा लो बस खुश मम्मी। खैर यार आज की वीडियो भी लेते हैं, बाकी इसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, भाई को मत भूल जाना यार।